नमस्कार दोस्तों, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। कई महीनों की भागदौड़ और मशक्कत के बाद आज मान साहब से मिलना हो पाया है। कभी ये उपलब्ध थे, कभी मैं उपलब्ध नहीं था। मान साहब दो बार बाड़ा हलके के विधायक रहे हैं, 77 में और 87 में। ठीक है, मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और पंडित भगवतदयाल शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का जमाना इन्होंने राजनीति में देखा है। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम में इनका रास्ता उनसे पड़ा है। तो मान साहब के जीवन की जो राजनीतिक घटनाएं हैं या मान साहब के जो अनुभव हैं, उनको इनको सुनाने में भी वक्त लगेगा और आपको उन चीज़ों को समझने में भी वक्त लगेगा, इसलिए आज पूरी फुर्सत से मान साहब से बात करेंगे। जी कीजिए। मान साहब स्वागत है आपका चर्चा। जी थैंक यू धर्मेंद्र जी। मान साहब, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका राजनीति में आने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही एक्टिव रहा हूँ। अच्छा। और मैंने, मेरी जो एजुकेशन है वो राजस्थान में हुई, महाराजा कॉलेज जयपुर से मैं ग्रेजुएट हूँ। जी। और हिंदी आंदोलन में मैंने जो है जेल तक देखी। अच्छा, हिंदी आंदोलन में जेल चले गए थे। हाँ। जी। और उसके बाद में जब मैं हरियाणा में एज ए साइंस मास्टर रेगुलर लगा, तो थोड़े ही अंतराल में मैं टीचर्स एक्टिविटी जो यूनियन थी, जिसके प्रधान मास्टर सोहनलाल थे, हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ, कुल मिला के 7 पदाधिकारी थे, उनमें से मैं एक था और मैं संगठन मंत्री था। आप संगठन मंत्री? जी थे। और उसके साथ ही कर्मचारियों में उस टाइम जो मैटर करती थी यूनियन जी, वो हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ और बिजली बोर्ड, क्योंकि वो संख्या की दृष्टि से हरियाणा उस टाइम काफ़ी बड़ी संख्या थी जी, तो एक तालमेल कमेटी बनी थी जो बाद में चल करके सर्व कर्मचारी महासंघ बना। अच्छा। तो मैं उसका कोऑर्डिनेटर था। अच्छा। और भिवानी में जिस टाइम चौधरी बंसीलाल सीएम थे, उनकी तूती बोलती थी जी, तो तकरीबन 4-5 हज़ार के तकरीबन वहाँ पे इकट्ठे हुए कर्मचारी, मैं उसका कोऑर्डिनेटर था जी। और पहली बार भिवानी में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ भिवानी में कम हिम्मत करती थी जी, मैंने एक दो ही रैली जो थी वो अपोजिशन की हो पाई, लेकिन वो बाहर के नेता थे उस टाइम, ज्योतिर्मय बसु CPM के नेता होते थे और मारुति प्रकरण को लेकर के। अच्छा। हाँ, उन्होंने रोड चौपटा में रैली की थी, अच्छी गैदरिंग थी, लेकिन और हिम्मत नहीं कर पाए थे। ज्योति बसु आए थे उस समय? हाँ, उस टाइम आए थे। तो अच्छी प्रभावशाली प्रदर्शन था वो। अच्छा। और नेचुरली उस टाइम चौधरी बंसीलाल को भी ये बात अखरी, और बाद में जो घटनाएं सामने आई वो उससे परू भी हुई जी। और टीचर्स की स्ट्राइक 73 में जो हुई थी, उसमें मेरी सक्रिय भूमिका थी। अच्छा, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ सबसे बड़ी जो प्रदर्शन था अध्यापकों का, 1973 में शुरू हुआ। तो लेकिन उसका हेडक्वार्टर हरियाणा में नहीं था। अच्छा। दिल्ली को हेडक्वार्टर बना करके वो लड़ाई लड़ी। वो क्यों शुरू हुई थी वो? चौधरी बंसीलाल, ये तो वो ही बेहतर बता सकते थे, आज कोई बताने वाला है भी नहीं। वो टीचर्स से, वो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने सड़कों के मोड़ और टीचर्स की मरोड़ नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी, और एक कंडीशन लगाई कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा अपने घर से बाहर होंगे टीचर, और जो SS मास्टर या उससे ऊपर की कैटेगरी है वो ज़िले से बाहर होंगे जी। छोटी कैटेगरी के ड्राइंग मास्टर हैं, हिंदी टीचर हैं, JBT हैं, ये 20 किलोमीटर से अपने घर से दूर होंगे जी। तो टीचर्स ने ये अपना अपमान समझा और धीरे धीरे लोग संगठित हुए और उसकी आवाज़, उसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। और चूँकि हरियाणा में ये आशंका थी, क्योंकि उससे पहले बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज ने एक हड़ताल की थी, काफ़ी लंबे समय भी चली वो जी, काफ़ी टर्मिनेशन भी हुए, सस्पेंशन भी हुए, और यूनियन के उस टाइम जो पदाधिकारी थे बिजली बोर्ड के, उनके खिलाफ एक्शन लिया सरकार ने। अच्छा। तो उस माहौल में ये फैसला हुआ कि हेडक्वार्टर जो है
हड़ताल का टीचर्स की था वो दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति हो सकती है। चला वो आखिर दिल्ली सरकार का इंटरवेंशन हुआ उसमें और वो हड़ताल ख़त्म हुई, जो टर्मिनेट हो गए थे सस्पेंशन। अच्छा, कितने लोग टर्मिनेट हुए उस समय? उस टाइम सस्पेंशन तो हज़ारों हुए थे लेकिन टर्मिनेशन भी सैकड़ों की संख्या में थे। अच्छा, तो आप भी उसमें सस्पेंड हुए थे? हाँ, मैं उस टाइम क्योंकि मैं रेगुलर था। और उस टाइम केस भी दर्ज हुआ था? हाँ, वो केस दर्ज हुआ था जो उसका तालमेल कमेटी जो थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो उसकी जो हमने रैली निकाली थी उसमें एक पर्चा था और उस पर्चे का शीर्षक था कि हमने सींचा है खूने जिसम से, पत्ते पत्ते पर आसकारा है, नेत पे बागवान दुरुस्त नहीं वरना चमन पे हक हमारा है। अच्छा, उस टाइम डीओ ओपी गुप्ता थे, बाद में उनकी लड़की अनुराधा गुप्ता जो थी वो कमिश्नर गई, आईएएस बनी थी, तो उनकी शिकायत नेचुरली वो कहीं ना कहीं से इशारा हुआ होगा सत्ता के गलियारों से, तो उन्होंने मेरे खिलाफ पर्चा दिया और मेरे फिर पंजाब राज सुरक्षा अधिनियम 9 का केस बना, मेरा सस्पेंशन हो गया। जो अध्यापक आंदोलन था जी, उससे कई सारे नेता निकले जी, जो भविष्य में विधायक भी बने, जिनमें से आप भी एक थे जी। तो उस अध्यापक आंदोलन खत्म होने के बाद आपका जिस राजनीतिक व्यक्ति से पहला जुड़ा हुआ वो किससे हुआ और फिर कैसे आपके जीवन की? मेरे मन में किसी तरह की जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह का पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा नहीं था, जाने का मन नहीं था, कतई नहीं था। अच्छा, और मेरे केस में जो मेरे पे दर्ज हुआ था पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम का, उसमें 7 से 10 साल की सजा थी और हीरानंद आर्य मेरे एडवोकेट थे जो उन्होंने मंत्री रहे, हाँ, जो सजेस्ट किया मेरे को कि यहाँ जो है आपको न्याय मिलना मुश्किल है, आप हाई कोर्ट चले जाइए। अच्छा, तो मैं उसके जो मेरे खिलाफ आई FIR हुई थी मैंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। सिंगल बेंच ने कहा कि मामला थोड़ा पेचीदा है तो डिवीज़न बेंच फैसला करे। अच्छा, और जो FIR मेरे खिलाफ हुई थी वो क्वेस हो गई और एक परवल के कामरेड ज्ञान सिंह थे वो मेरे एडवोकेट थे हाई कोर्ट में। अच्छा, और उसके बाद में मैंने सर्विस दोबारा ज्वाइन की, उस टाइम में विद्वान में था, विद्वान में था स्कूल में, जब छोड़ा जब आपने विद्वान से, जहाँ से मैंने 76 में जब मैंने MLA का चुनाव लड़ा। अच्छा, तो किया तो हुआ क्या कि लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव के बाद में चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर बने और 9 स्टेट्स की स्टेट असेंबली भंग कर दी गई थी, तो तब भी मेरे मन में कोई इसी तरह की चुनाव लड़ने की ऐसी कोई बात मेरे मन में थी नहीं जी। ओम प्रकाश लड़का था मास्टर सोनलाल जी का, उनसे हमारे अच्छे क्योंकि यूनियन में काम करते थे तो परिचय था। हाँ जी, तो वो मेरे को कहने लगा गुरु जी मेला लगा हुआ है क्योंकि असेंबली के चुनाव में, तो आप मेरे को घुमा लाओ। तो मेरे एक रिलेटिव थे वो दिल्ली कैंट में सूबेदार मेजर थे, तो हम मारू गए जा कर के और हरियाणा में चले जाते थे। अच्छा, क्योंकि उन दिनों स्कूल की छुट्टियाँ थी। तो हुआ क्या कि जुहानी की जो राजनीतिक गलियारों में जिन लोगों की जनता पार्टी के लिए दावेदारी थी उनमें हीरानंद आर्य, जगन्नाथ और ये चौधरी जंगवीर सिंह, बलबीर सिंह ग्रेवाल थे और अतर सिंह जी मांडी थे, तो ये थे। लेकिन उस चुनाव जब डिक्लेयर हो रहे थे यानी माहौल बन गया था कि चुनाव होने वाले हैं, तो सामने एक जलसा किया इन 3-4 ने मिल करके, क्योंकि मैं मेरा सीधा पार्टी पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। अच्छा, मैं नहीं था उसमें। तो चौधरी देवीलाल जो थे वो एक जनता पार्टी का गठन जो हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण नेता थे, तो उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द किए कि जो उनको महसूस हुआ, और जब इलेक्शन कमेटी बनी तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन चौधरी चरण सिंह अड़ गए, हरियाणा स्टेट उनकी सीमा आई जी, और हरियाणा स्टेट के लिए चुनाव के लिए राज नारायण जी वो जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम सेंटर में और चौधरी चरण सिंह के खेमे में थे जी, वो उनके पास प्रभार हरियाणा का आ गया। तो मेरे को अचानक जब हम दिन में चले जाते थे हरियाणा में उनमें, तो एक दिन चौधरी देवीलाल मेरे कोई वाकफ
शख्सियत नहीं थी। अच्छा, सच्ची बात यह, कोई जान पहचान नहीं? नहीं, कतई तौर पर किसी भी नेता से नहीं। और सर्विस में भी थे आप उस समय? हाँ, मैं सर्विस में था। तो डी आर चौधरी जो अब दिवंगत हैं, तो क्योंकि टीचर्स स्ट्राइक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने टीचर्स एसोसिएशन थी जी, वो हरियाणा गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के साथ खड़ी थी जी। तो कई लोगों से जान पहचान हुई उस दौरान में, जिसमें डी आर चौधरी भी थे। अच्छा। और एक मेहंदी रहता थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जी। तो वो आए उनके साथ, फिर मेरे को कहा कि आप जाना मत, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने आके कहा कि आपका हल्का कौन सा पड़ता है? डी आर चौधरी। मैंने कहा बाड़ला पड़ता है। अच्छा। कौन कैंडिडेट है वहाँ? जनता पार्टी का। मैंने कहा वहाँ चौधरी अतर सिंह है। लोगों की नज़रों में जनता पार्टी के रहे भी मजबूत कैंडिडेट। तो उन्होंने मेरे को कहा कि उनको तो टिकट नहीं मिलनी। अच्छा। आप अप्लाई कर दो। मैंने एजिटेट किया सच में। मैंने कहा कि मेरा माखोल उड़ेगा टिकट नहीं मिलेगी तो। मेरे को मेरे गांव का एक इंसिडेंट याद है। एक मेंबर का चुनाव लड़े था और वो घर में चर्चा हुई थी कि मैं चेयरमैन बनूंगा, आप मेरी मदद कर दो। अच्छा। वो नहीं बना, उसकी माँ गुस्से में उसको चेयरमैन करने लगी तो सारा गांव चेयरमैन कर लिया। उसका नाम भूल गए, नाम रघुवीर था। आपने सोचा है अच्छा भला मास्टर हूँ? मैंने कहा मैं अच्छा भला मास्टर हूँ, टीचर हूँ, यूनियन में काम करता हूँ जी, तो मैं मजाक का विषय क्यों बनूँ? मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं करता है, मेरा मजाक उड़ेगा, टिकट मेरे को कोई देने वाला नहीं है, मैं किसी, मेरा कोई बड़ा नेता परिचित नहीं है, न मैंने ऐसी कोशिश की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था वो ट्रेड यूनियन में काम करने का था। अच्छा। जिसमें मैं काम कर रहा था, मेरा फील्ड मैंने वही सुन रखा था। उन्होंने कहा कि नहीं आप अप्लाई कर दो। तो मैंने वो ओम प्रकाश जो थे सोमनाथ जी के लड़के, वो जा करके विठल भाई पटेल हाउस में एक ऑफिसा बना हुआ था, वहाँ से फार्म ले आए, रमचाय की दुकान पर बैठे कि आप साइन कर दो, जमा मैं करवा दूँगा। 100 रुपये फीस थी उस टाइम अप्लाई करने की। भर दिया आपने? वो फार्म भरा गया, वो पैनल में मैं और चौधरी अतर सिंह आ गए। दो कैंप बन गए, एक पंडित भगवत दयाल का, एक चौधरी देवीलाल का। तो क्योंकि चौधरी चरण सिंह के हिस्से में आना था तो वेट जो मिला वो चौधरी देवीलाल को मिलना था। तो जब हम दो पैनल में आ गए तो टिकट मेरी फाइनल हो गई। चौधरी देवीलाल से तब भी आप परिचित नहीं थे? मैं तब भी नहीं था, मैंने चुनाव, मेरे चुनाव में वो प्रचार करने भी नहीं आए। अच्छा। तो आपको टिकट किस क्रेडिट किसको दोगे आप? हाँ, ये मैं कहूँगा परिस्थितियाँ, मैं कोई कहता किस्मत का नाम ले लेता है कुछ, मैं कहता हूँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आपको टिकट मिली, कि मेरे को टिकट मिल गई, आवाज जनता पार्टी की थी, मैं विधायक बन गया। देवीलाल जी नहीं चाहते होंगे कि अतर सिंह मांडे जी को टिकट जी, मिले? तो सच्ची बात तो है। फिर आप पैनल में एक और पैनल में एक और दो इनाम थे, क्योंकि और जो दावेदार थे जिनमें अतर सिंह मांडी थी, ये पूरे टाइम जेल नहीं काटी। मैं 19 महीने जेल में, मैं 19 महीने नहीं था, मैं थोड़ा सा राजस्थान शिफ्ट कर गया जब केस बन रहे थे, तो 6 महीने के बाद में पकड़ा दकड़ी कम हो गई, तो मैं उस पकड़ दकड़ से तो बच गया क्योंकि मुझे मेरा हाई कोर्ट में केस भी लड़ना था। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरा कोई परिचय किसी नेता से नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं विधायक बन गया। मैंने विधायक बन करके, क्योंकि मैं, मेरी बैकग्राउंड जो थी और ग्रूमिंग थी वो ट्रेड यूनियन से आया था मैं, तो मैंने ये मेरे एक मन में मैंने फैसला लिया कि मुझे कोई पर्सनल फायदे की बात करने के बजाय, क्योंकि जनता की दी हुई ताकत है, मुझे उनके लिए सोचना और काम करना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी से। रण सिंह मान जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, मेरा कोई सवाल छूट गया हो, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, ये कई हिस्सों में आएगी, तो आप लगातार हरिभूमि टीवी देखते रहिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे भी पूछ सकते हैं। और हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि मान साहब से ज़रूर आप बात करिए, तो ये इच्छा आज पूरी हो गई है। इसका एक सेशन और कभी, जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर कभी लगाएंगे।